हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा और करारा नाश्ता, जिसे आप एक बार बनाकर पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपका नाश्ता खाने का मन हो, आप इसे निकाल कर खा सकते हैं चाय के साथ, केचप के साथ, और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है प्याज, जो मैंने दो मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप बिना प्याज के भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ, एक पैन लिया। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल, इतना ऑयल काफी है। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। तो हींग डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। तो यहाँ पे हमें हींग को काला नहीं करना है, बस हम इसको इस तरह से चटका लेंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हम धीमी धीमी आंच पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, काला नहीं करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई। अब इसमें हम कड़ी लीव डालेंगे, जो हम 6 से 7 डालने हैं, जिसको कड़ी पत्ता ही बोलते हैं और मीठी नीम भी बोलते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे धनिया भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, इस समय बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल देखने के आदि हो चुके हैं, तो ऐसे में उनकी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है मोबाइल का। तो इसलिए आप उनकी डाइट में गाजर को ऐड करना मत भूलिए। यहाँ पे हमने 1 कटोरी गाजर को इस तरह से ग्रेट करके लिया है। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे पीसेस में भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे भी लेना है गाजर को लेना जरूरी है। तो इस समय ठंडियां भी आ गई हैं और गाजर आसानी से मिल रही है, तो आप इसका सेवन जरूर कीजिए अपने डाइट में। तो यहाँ पे हम गाजर को अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि बिल्कुल अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे गाजर हमारी अच्छे से भुन गई है। अब इसमें हम 3 ग्रीन चिली इस तरह से मोटी मोटी कर करके ये डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और लुक भी आएगा। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है और ग्रीन चिली नहीं खाता है तो आप इसको हटा सकते हैं। अब इसके अंदर हम बच्चों के फेवरेट ऐड करेंगे आलू, जो सब्जियों का राजा है। और अगर आप आलू नहीं पसंद करते हैं तो आप इसकी जगह पे पनीर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम आलू को बॉईल करने के बाद ठंडा कर लिया, ठंडा करने के बाद मैश कर लिया है हाथों से मोटा मोटा। आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी कीजिए ठंडा करने के बाद ही आलू को करना। इससे क्या होगा, आलू बहुत ही कम पानी छोड़ेगा और काफी अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। अब हम सारी चीजों को वापस से 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, ताकि आलू की जितनी भी नमी है वो खत्म हो जाए। तो फ्रेंड देखिए, मैंने आलू को अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1/4 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी डालेंगे। फिर इसमें 1/2 टीस्पून तक गरम मसाला डालेंगे। ये मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करूंगी। और अब इसको हम चटपटा बनाने के लिए इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला डाल लें। तो चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई, या फिर आप इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं, या फिर टमाटर भी। बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, आपको जो भी आसान लगे आप इसमें ऐड कर लेना डियर। तो फ्रेंड, हमने 3 ग्रीन चिली ऐड की, इसीलिए हम इसमें 1/2 टीस्पून तक कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं, जिससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अभी तक हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला है। उसका कारण ये है कि अगर आप आलू में तुरंत नमक डाल देंगे तो आलू अपना पानी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम जब सारे मसालों को पका लेंगे, लास्ट में हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आलू को मैंने अच्छे से भून लिया है और मसाले भी हमारी बहुत ही अच्छी खुशबू छोड़ चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पे जितना आप नमक खाते हैं उतना ही ऐड करना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग हल्का नमक खाते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा सा तेज नमक खाते हैं। तो नमक आप अपने हिसाब से मैनेज करना, बाकी सारी रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नाश्ते की जान फ्रेश हरा धनिया, जिसमें बिल्कुल ही पानी नहीं होना चाहिए। पानी को बिल्कुल सुखा के कट करके रखना है। तो चलिए, कट करके रखा है, आपको दिखाते हैं कैसी होनी चाहिए धनिया आपकी। तो फ्रेंड देखिए, धनिया को मैंने इस तरह से कट करके लिया है और मैं इसको ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने धनिया को बहुत ज्यादा बारीक नहीं कट किया, हल्का सा मोटा मोटा कट किया है। धनिया डालने के बाद हम तुरंत गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा जो पैन है वो गर्म है और उसी में धनिया हमारा हो जाएगा। तो धनिया कभी भी इस्तेमाल कीजिए, सबसे लास्ट में डाल दीजिए। और धनिया को बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही खिला खिला सा रहेगा अगर आप धनिया को कम पकाएंगे। तो चलिए, इसको निकाल कर ठंडा करते हैं। तो चलिए, इसको पहले ठंडा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने निकाल दिया। जब तक ये ठंडा होगा हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, दूसरा काम करेंगे, इसे साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर हम ट्रांसफर करेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पे 250 ग्राम मैं गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने छान के लिया है। आप चाहे तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने 100% गेहूं का आटा लिया है। तो यहाँ पे देखिए, छान के ही आपको देना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून तक नमक डाला है।
आधा चम्मच हम इसके अंदर अजवाइन डालेंगे, जिसको हम इस तरह से मसल कर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून तक ऑयल, तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घी और बटर भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल नहीं लेना है। अब इस सारी चीजों को हम बिल्कुल अच्छे से आटे के अंदर मिलाएंगे। आप चाहे तो आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं 100% गेहूं का आटा लेना। तो ये देखिए इस तरीके से आप मुट्ठी बांधिए, अगर आपकी मुट्ठी बांधने पे बंद रहा है तो समझ जाइए आपका तेल सही पड़ा है, और अगर नहीं बंद रहा है तो आपको थोड़ा सा और डालने की जरूरत है। अब यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे, ना ठंडा ना गर्म, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक आटा लगाएंगे। यहाँ पे आटा आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम डो लगाना है। तो हल्का हल्का सा पानी डाल के मसल मसल के गूंदिए। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मसल मसल के मैंने इसका आटा लगा लिया, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इतना आटा लगाने में मुझे आधा गिलास पानी इस्तेमाल हुआ है, आधा गिलास बच गया है। अब 5 मिनट हम इसको टाइम देंगे ताकि ये फूल जाए, 5 मिनट बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अभी इसको हम नहीं टच करेंगे, इसको हम साइड में करेंगे। एक काम कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आटे को टच करेंगे। तो यहाँ पे एक दूसरे साइज का बर्तन ले लेना है, जो बड़ा होना चाहिए, यानी दूसरा बर्तन ले लेना है इस आसान भाषा में बोले तो। अब इसमें हम 4 चम्मच मैदा डालेंगे, जिसको मैंने छान के लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, सूजी को बारीक करके डाल सकते हैं या चावल का आटा डाल सकते हैं डियर। अब इसमें हम 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे अरारोट का आटा भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, तो ये गया हमारा 2 से 3 चुटकी नमक, ज्यादा नमक नहीं डालना है। अब इसमें 1/2 टीस्पून तक काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चुटकी चाट मसाला, और इसी के साथ 2 से 3 बूंद ऑयल, जो हल्का सा गर्म होना चाहिए। सारी चीजों को हम बिल्कुल अच्छे से आटे के अंदर मिला लेंगे, और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक लिक्विड डो बनाएंगे, जो सॉरी बैटर बनाएंगे, जो बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, फिर इसके बाद थोड़ा पानी डालेंगे और वापस से मिक्स करेंगे। तो एक साथ पानी नहीं डालना है, तो यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी इस्तेमाल किया है इस बैटर को बनाने के लिए। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए इसकी मैंने सारी गुठलियां खत्म कर ली है। अब आप इस तरह से चम्मच लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कीजिए। देखिए कोटिंग करनी चाहिए चम्मच को, इतना पतला होना चाहिए कि आपके चम्मच को तो कोट करे। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए इस तरीके से हमारा ये होना चाहिए। अब चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं और आटे को चेक करते हैं। तो अब हम आटे को हल्का सा पंच मारेंगे ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूला हुआ है। और अब हम इसको इस तरह से 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक भाग को हम इस तरह से पेड़ा बना लेंगे और इसको फ्लैग कर देंगे। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे रोल आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस पर चावल का आटा लगाऊंगी, आप चाहे तो इसमें मैदा भी लगा सकते हैं, लेकिन चावल का आटा लगाने से काफ़ी ज़्यादा ये कुरकुरा बनेगा। ये देखिए, अब इसे हमें जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरीके से बेलना है। ख्याल ये रखना है चारों तरफ से बेलना है, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए, और रोटी के इतना पतला रखना है। तो फ्रेंड देखिए मैंने इसको बेल लिया है, तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है, और आपको भी इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इस तरीके से होना चाहिए। चारों तरफ से मैंने इसको बढ़िया तरीके से बेला है। अब हमारा जो आलू था वो बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, ये देखिए। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे, कैसे आपको बताते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने ले लिया है, और इसको अब हम इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच में रखेंगे, और आप इसमें जितना चाहे उतना फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें अच्छे अमाउंट में फिल किया है, और आपको भी इसमें अच्छा तरीके से इस तरह से लगाना है। अब ये जो सेंटर है इस पर हम इस तरह से फिंगर की सहायता से पानी अप्लाई करेंगे, इधर भी हम अप्लाई करेंगे। ये काम आपको ज़रूर करना है, और यहाँ को भी हमें नहीं छोड़ना है। अब हम इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे और इसको हम इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए हो गया। अब इसकी हमें कटिंग करनी है, तो इस तरह से मैंने इसको हल्का हल्का सा इस तरह से खींचा, तो ये बड़ा हो चुका है। अब इसको हमें यहाँ से निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है, और इसको भी हम निकाल लेंगे, और अब हम इसको इतनी इतनी दूरी पे कट करेंगे। आप इसका साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा वैसा ही बना सकते हैं। ये देखिए, और अब हम इसको इस तरह से कर लेंगे। बिल्कुल ये बाहर नहीं निकलेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम आपको जब बनाकर दिखाएंगे। ये देखिए, तो चलिए बाकी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
तो फ्राइड इस तरह से बना लिया है, आप इसे फ्रिज में भी लगा सकते हैं हवा बंद डिब्बे में। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम उसको भी चेक कर लेते हैं जो हमने रेस्ट पे रखा था। तो फ्रेंड देखिए अच्छे से फूल गया है। अब हम चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ, चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, एक पैन लिया, हम इसे सलो फ्राई कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम एक को डाल के इस तरह से चारों तरफ से इसकी कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए तेल आपका बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब तक आपका तेल गर्म नहीं होगा आपको नहीं डालना है। जब तेल गर्म हो जाएगा इस तरह से डाल दीजिए। गैस का फ्लेम मीडियम रखिए इसको पकाते समय। तो इस तरीके से हम देखिए चारों तरफ से इसको कोट कर रहे हैं। आपको भी इसे चारों तरफ से कोट करना है, तभी ये जो मसाले वाला आलू है ये बिल्कुल ही बाहर नहीं आएगा। ये देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी सवाल ना रहे और आप इसे बिल्कुल वैसे ही बना पाए जैसे मैं बना रही हूँ। ये देखिए अगर आपका पैन छोटा है तो आप इसे दो बैचों से बना सकते हैं, अगर बड़ा है तो मेरी तरह बना सकते हैं फटाफट। तो तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। हल्का सा गर्म तेल में डालेंगे तो ये अच्छे से कुक नहीं होगा। ये देखिए तो चलिए हम फटाफट सारे डाल देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड ये लास्ट वाला भी हम इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। अब इसे दो मिनट तक धीमी धीमी आंच पर पकाने के बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड दो मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम देखिए इस तरह से छोटे चम्मच की सहायता से या फिर नाइफ से आप टर्न कर दीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है एक साइड से, देख रहे हैं आप लोग। और इसे हम इस तरह से अलटते पलटते हुए दूसरे साइड भी दो मिनट पकाएंगे और दो मिनट बाद ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए तो चलिए फटाफट सारे पलट लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से पलट दिया, दूसरे साइड भी दो मिनट पकाने के बाद इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड दो मिनट हो चुके हैं, देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है, कितने अच्छे से ये डन हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं, करारे हैं। ये देखिए अभी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट इसको निकाल लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा नाश्ता, जो देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज्यादा टेस्टी। और आप इसे पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं। देखिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज्यादा खूबसूरत आया है और जो हमने इसके अंदर फिल किया था वो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलता है। इस तरीके से जब आप बनाएंगे मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके, चलिए आपको दिखाते हैं कितना क्रिस्पी है। इसके सामने आप समोसे और कचौड़ी को भूल जाएंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है इन सर्दियों में। और मैंने इसे सर्व किया है केचप के साथ। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इसे बनाकर जरूर खाइएगा। बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और अपना ख्याल रखिए और सर्दियां एंजॉय कीजिए।